अजीजान मोहतरम, ऑफर बड़ा वक्त थोड़ा। अब इस ऐसी सूरत में ये रात में, अब आप यूं समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर रहे हैं, खजाने लुटा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में इंसान के पास लेने के लिए कैपेसिटी नहीं है तो क्या करें? चलिए आसान हुनर को इख्तियार कर लीजिए, रोना शुरू कर दीजिए, देखिए अल्लाह का दरियाए रहमत कैसे जोश में आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शते हैं, आम दिनों में तो यकून देते हैं, और आज की रात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आसमान दुनिया पर आ रहे हैं, अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं, किसी के डिमांड पर नहीं, अपनी ही तरफ से बंदों की भलाई के लिए ऑफर दे रहे हैं कि मांगो मगफिरत, मांगो मांगो माल, मांगो कौन सा माल जो आखिरत में काम आता है। यहां का माल आखिरत में काम नहीं आएगा, जो माल आखिरत में काम आने वाला है वो माल मांगो। दौलत, कौन सी दौलत? ईमान की दौलत मांगो, वो दौलत वहां काम आने वाली है, रूह को पहुंचा फायदा पहुंचाने वाली है। यहां की दौलत यहां भी नुकसान पहुंचाएगी, वहां भी हिसाब देना पड़ेगा। मांगो रिस्क मांगना चाहते हो तो मांगो, यहां के रिस्क का जिम्मा तो मैं ले चुका हूं, तुम वो रिस्क लो, वो रिस्क मांगो जो तुम्हारी रूहानियत को जिंदा और बाकी रखने वाला होता है। तो इसके लिए आदमी को रोना है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए अल्लाह ताला जैकपॉट देना चाहते हैं, दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अब ऐसी सूरत में अल्लाह से अगर बंदा गफलत में वक्त गुजार दे, चलिए एक जलसा हुआ, निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन सुन लिया और उसके बाद गए, चलिए थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कहाँ चाय अच्छी मिलती है, चाय पी लिए, पान खा लिए, वक्त गुजार लिए, फिर उसके बाद आए। नहीं भाई, ये मजबूरी है आज के जमाने की, जो आज की मुतबर्रिक बरात वाली रात को आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज की रात क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है। मांगने के लिए जर्फ पैदा करना है, अल्लाह लुटाने के लिए तो तैयार है, लुटा रहा है, मांगने के लिए जर्फ पैदा करना है। तो मांगने के लिए अब क्या मांगेंगे? चलिए डायरेक्ट जाके बादशाह पर हाथ रखिए, बादशाह पर, सुल्तान पर हाथ रखने के लिए रोने का अंदाज, रोने का हुनर, रोने का फन, ये बड़ा अच्छा है।